मैं भी इनके साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस सदन की उपयोगिता को ही कम हम ना करें, जिससे कि इस प्रजातंत्र की उच्चतम संस्था और इस मंदिर के लोगों के मन में छवि धूमिल हो। मैं भी सदन नेता, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री ने जो आपके अनुभव, आपके जो पुराने समय में संसदीय जीवन में जो आचार व्यवहार रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में इस जिम्मेदार आसन पर जो आप आसीन हुए हैं, इसके लिए जो इन्होंने बधाई दी है, मैं भी इनके साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, हमने भी आपको बड़े लंबे समय से इस सदन में देखा है और हम आपको लगभग पिछले 40 वर्षों से, क्योंकि मेरे भी इस सदन में आए हुए इस वर्ष 40 वर्ष हो गए, मैंने आपको लगभग 35-40 वर्षों से इस सदन में कार्य करते आपको देखा है और आपने जिस तरीके से सदन में नियमों का पालन करते हुए जिस उच्च संसदीय परंपरा और जीवन का निर्वाह किया है, हम समझते हैं वो हम सभी जो इस सभा के सदस्य हैं उनके लिए वो एक मिसाल है और सब लोगों को उससे सीख और उससे सबक लेना चाहिए कि आखिर सदन में अपनी बात, गंभीर से गंभीर बात किस तरीके से नियम के तहत की जा सकती है, इसका आपने पिछले दिनों उदाहरण पेश किया है। और हम तो कहेंगे सभी माननीय सदस्य और महोदय, ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभी विपक्षी दलों, हालांकि अब एक ही विपक्षी दल बच गई है, एक विपक्षी दल जो भारत जो जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी जो आप में आस्था प्रकट की है, यह उच्च संसदीय परंपरा का निर्वहन है। इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता प्रतिपक्ष और तमाम माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं महोदय। और यही आशा करता हूं कि इन्होंने जो आप में आस्था व्यक्त की है सर्वसम्मत चुनाव करा के, या नेता प्रतिपक्ष ने आप में जो आस्था प्रकट की है, इस आस्था को आने वाले समय में भी बरकरार रखेंगे, यही हमारी मतलब शुभकामना है। और महोदय, संयोग से इसी महागठबंधन ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने मुझे भी कुछ दिनों के लिए आपके आसन पर काम करने का मौका दिया था और हम भी वहां पर 5 साल आपकी, जब हमारे 5 साल बोल दिए सो 5 साल हमने भी उस आसन पे रह के काम किया है। ये बात सही है कि कभी कभी दुविधा उत्पन्न होती है, कभी कभी विचारों का संकट आता है उस आसन पर, हम शायद विजय सिन्हा जी भी ने भी महसूस किया होगा, लेकिन महोदय हम वहां से भी कहते थे और आज यहां से भी कहते हैं कि जब आसन के सामने कोई दुविधा या संकट की घड़ी आती है तो देखिएगा कि बराबर आपके मेज पर एक संविधान की पुस्तक होती है और एक बिहार विधानसभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली होती है उसकी एक होती है। और इस सदन में चाहे कोई सत्ता पक्ष कहें या विपक्ष के लोग कहें, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये संविधान क्या कहता है और यहाँ की नियमावली क्या कहती है, क्योंकि महोदय इस सदन के संचालन के लिए जो बाइबिल कहिए, गीता कहिए, कुरान कहिए, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो कहिए, यही दोनों पुस्तकें हैं
जहां कहीं दुविधा होती है, जहां कहीं परेशानी होती है, सदन में संकट उत्पन्न होता है, तो यही दोनों पुस्तकें रास्ता दिखाती हैं महोदय। इसलिए हम समझते हैं कि आप पुराने सदस्य हैं सत्ता पक्ष में, हम लोग तो आपके साथ रहेंगे ही, हमारे माननीय विपक्ष के नेतागण भी जो आज उन्होंने आप में आस्था प्रकट की है उसके अनुरूप व्यवहार करके हम लोग सदन चलने दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सबसे प्रमुख बात जो होती है, जितने नियम या संवैधानिक प्रावधान हैं सब में मुख्य बात यही कही गई है कि यह सदन विमर्श का सदन होता है, और अगर विमर्श ही नहीं हो पाए या विमर्श में ही बाधा उत्पन्न हो जाए तो महोदय इस सदन के उपयोगिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये हमको आपको देखना है कि कल बिहार की जनता की नज़र में इस सदन की उपयोगिता को ही कम हम ना करें, जिससे कि इस प्रजातंत्र की उच्चतम संस्था और इस मंदिर के लोगों के मन में छवि धूमिल हो। इसलिए हम आप सभी से, आपके माध्यम से और आपके आसन पर रहते, मुझे पूरा यकीन है कि ये सदन संवैधानिक परंपराओं और नियमों से चलेगा। हम सभी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके प्रति शुभकामना और बधाई देते हैं।